हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव है और मैं आज आपके लिए पॉलिटी का एक सेशन लेके आया हूँ, जिसमें जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, जैसे SSC, CGL, CPO, VDO और आपका सब इंस्पेक्टर, UP पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इन सभी में वो सारी चीज़ें कवर करेगा। और इस सेशन से बाहर आपको कहीं भी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया है इसमें। जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो आप सोचते हैं मैं पढ़ के गया या मेरे को किताब में नहीं मिला, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये हमारा पार्ट वन है, ये कई सारे पार्ट्स में होगा, जिसमें पार्ट वन में आप कंटेंट देख लीजिए, ठीक है। 14 टॉपिक्स होंगे, जो कि मैं आपको 14 टॉपिक्स में वो सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। तो पहला आज हमारा पहला हमारा कंटेंट का पहला टॉपिक है, वो है शेड्यूल, अनुसूचियाँ। संविधान हमारा अनुसूचियों में बटा हुआ है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अनुसूचियों में बटा हुआ है। तो कुल मिला के जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब तो उस समय हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद धीरे धीरे करके अमेंडमेंट्स हुए और फिर लास्ट में इस टिल डेट तक 12 अनुसूचियाँ यानी 12 शेड्यूल हैं। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल है स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। कहने का मतलब यह है कि हमारे इस कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, जिनमें गवर्नमेंट्स नहीं हैं तब भी रूलिंग है, जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी में विधानसभा है, वहाँ पर आपका बकायदा चीफ मिनिस्टर बैठता है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, स्टेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि स्टेट का मतलब स्टेट, स्टेट तो है ही, लेकिन होल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो सारे शेड्यूल वन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में है कि जो हमारे बड़े बड़े पद हैं, हमारे देश में जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं, और कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको हम क्या सैलरी देंगे, क्या एमोलुमेंट्स मिलेंगे, इनको क्या चीज़ मिलेगी, कौन सा बंगला मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सेकंड शेड्यूल है। मतलब इनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं वो सेकंड शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में क्या आता है कि थर्ड शेड्यूल में ओथ आपने देखा होगा, सॉरी, आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त होते हैं, तो उनको एक ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो वो ओथ जो है आपकी थर्ड शेड्यूल में आती है। उसमें ओथ में यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, MP, MLA, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, और स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल ये कहता है कि राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो किस किस हिसाब से होगा, किस स्टेट को कितनी सीट्स दी जाएंगी। आपको यहाँ पे ये भी फोकस करना है कि राज्यसभा में सीटें जो हैं उस पार्टिकुलर स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर एलोकेट करी जाती हैं। और यहाँ पर टोटल सीट्स ऑफ इन राज्यसभा 245। यूनियन टेरिटरी में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सारी यूनियन टेरिटरी, जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी सीटें राज्यसभा में नहीं होती हैं। सिर्फ दो दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली और पौंडुचेरी, जिसमें कि विधानसभा है, उनको ही सीटें राज्यसभा में दी जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट है, 31 सीट्स। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। क्या मतलब है कि हमारे देश में कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक, कुछ ऐसी एरिया हैं जहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, और या आपको ये याद ध्यान पड़ेगा कि अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट की कंडीशन को देख के, किसी भी स्टेट की कोई भी जगह को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कंडीशन देख के वो वहाँ पर शेड्यूल एरियाज बना सकता है। शेड्यूल एरियाज में थोड़े नियम कानून, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से चलता है, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में आपका यही है कि आपके कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो, फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज, ठीक है, लेकिन सिक्स शेड्यूल कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरिया हैं वो सिक्स्थ शेड्यूल में डाले गए हैं, ठीक है।
तो दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि इंडिया में किसी भी जगह पर कोई शेड्यूल और ट्राइब्स एरिया होगा वो आपका 5th शेड्यूल में आएगा, लेकिन इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जब कोई ट्राइब्स एरिया होगा, ट्राइबल एरिया होगा, वो आपका 6th शेड्यूल में जाना है। बस आपको क्वेश्चन ये यहाँ पर ये बनता है कि वो पूछ लेगा कि आपको बताइए कि नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं 6th शेड्यूल में कौन सा स्टेट नहीं है, तो इन चारों चारों स्टेट्स में से कोई भी हटा देगा आप वहीं पे उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, आपको ऐसे नीचे बाय बिल्कुल नीचे तरीके से याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना आप कि असम एक ऐसा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स जिनको कहते हैं उन सबकी बाउंड्री उससे लगती है। दूसरा क्वेश्चन, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। तीसरा क्वेश्चन, मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से म्यांमार से बाउंड्री बनाता है। नेक्स्ट, 7th शेड्यूल में क्या करता है, 7th शेड्यूल में वो लिस्ट बताता है। ठीक, लिस्ट दी गई है कि भाई कौन केंद्र राज्य मिलकर कौन सा कानून बनाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस संसद बनाएगी, किस सब्जेक्ट पर कानून जो है वो स्टेट बनाएगा और किस सब्जेक्ट पर कानून दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में आपके 100 सब्जेक्ट हैं, 100 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद कानून बनाएगी, और आपका स्टेट लिस्ट में 61 ऐसे सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों दोनों में से कोई भी उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, और रेजिडरी लिस्ट मतलब होता है कि जो ऊपर वाले यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट से बच जाते हैं उनमें अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो उनका पूरा मालिक होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, आपको बस इतना, यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या नाम है, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने होते हैं, ये रेजिडरी लिस्ट क्या होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये 7th शेड्यूल में दिया गया है। 8th शेड्यूल, यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप, 8th शेड्यूल में क्या है कि 8th शेड्यूल में हमारी हिंदुस्तान में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हो गई या फिर जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें से कौन कौन सी हमारे संविधान में दी गई हैं, हमारे संविधान में उनको पार्ट किया गया है, तो 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 14 थी, अमेंडमेंट होते होते 22 लैंग्वेजेस हो गई। इसमें आप देख लो, पढ़ लो, नेपाली को मैंने इसलिए थोड़ा सा बोल्ड किया है क्योंकि नेपाली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंट्री में भी बोली जाती है लेकिन ये फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब नेपाल में मेनली बोली जाती है। तो क्वेश्चन यही कर देता है वो कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो भारतीय संविधान में है लेकिन वो विदेशी लैंग्वेज है, तो नेपाली। दूसरा, इंग्लिश 22 लैंग्वेजों में नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद 9th शेड्यूल क्या कहता है, सॉरी, 9th शेड्यूल कहता है कि जो हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब लैंड रिफॉर्म्स हुए, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, तो उस समय हमारे कंट्री में जो था तो ये लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम और भी कोई भी ऐसा कानून जो वो संसद बनाती है और 9th शेड्यूल में डाल देती है, तो पहले ये नियम था कि उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। जैसे एक इसमें प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में शायद 68% के कभी करीब रिजर्वेशन है जो कि 9th शेड्यूल में है, लेकिन वो पहले बना था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको कहा कि हाँ हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पहले आज़ादी के टाइम के समय ही उसको डाल दिया गया था इसलिए वो रिव्यू नहीं कर सकता। 10th शेड्यूल क्या कहता है, 10th शेड्यूल कहता है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये आपका जो लोग किसी दूसरी पार्टी से चुने जाते हैं और फिर बाद में पैसा लेकर या फिर कैसे भी किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, सरकार गिरा देते हैं, पहले आपने देखा होगा सरकारें बहुत गिरती थी, तो उसके लिए लाया गया। ये कब लाया गया, मेनली पॉइंट ये है कि 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। दूसरा, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, 52nd, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में मेनली आता है पंचायती राज। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। कितने इसमें सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट्स पर पंचायत जो हैं वो अपने लिए कोई नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं ये सब इसमें दी गई हैं। तो 12th शेड्यूल क्या है, 12th शेड्यूल भी यही है, 74th अमेंडमेंट हुआ था। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि 74 में लोग पंचायत लगा के आ जाते हैं, तो इसमें मत करना, पहले गांव, पहले पंचायत आएगा, उसके बाद आपका म्यूनिसपैलिटी, शहर, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आती हैं। इनके पास कितनी सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्विक रिवीजन करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनको तैयार करना है। देखो, फर्स्ट फर्स्ट में आप स्टेट स्टेट, सेकंड में सैलरी, ओथ। इनको ध्यान, इनको याद रखने का तरीका ये है कि पहले पैसा लूँगा फिर काम करूँगा, मतलब पहले मुझे सैलरी दो उसके बाद मैं ओथ लूँगा काम करने की, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में कहता है वो राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, फिफ्थ में शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया, सिक्स्थ में AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के ट्राइबल एरिया, सेवन्थ में लिस्ट यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एट्थ में लैंग्वेज आ गई, नाइन्थ में अदर प्रोविज़न। अदर प्रोविज़न मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि कोई भी अदर प्रोविज़न जो कि बिल्कुल थोड़ा हटके है उसको डाला जाता है उसमें, ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल में। और आपका टेंथ शेड्यूल में है आपका एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून, एलेवंथ में पंचायत, ट्वेल्थ में म्यूनसिपैलिटी। तो ये आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा शेड्यूल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।